ये रहा जो आज हम लोग ने हार्वेस्ट किए थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको फिर से और नया वीडियो पे। सो दोस्तों, आज की वीडियो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, जो कि एकदम फ्रेश वाला आज हम लोग हार्वेस्ट करने वाला है। एक्चुअली आज भी मैं सुबह से प्लान किया था कि जंगल में घूमने के लिए जाएगा बोल के, पर क्या ही बताऊँ दोस्तों, आज भी वही है, हार्वेस्ट करने के लिए जाना होगा। पापा ने बोला है तो मैं मना नहीं कर सकता है। वैसे लास्ट ब्लॉग में भी मैंने बोला था कि 10 तारीख से इसको इस्तेमाल करने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, मैंने ऐसा बोला था ना। तो फाइनली आज हमारे सामने है, ये आ गया भाई। आज सुबह मैंने ये ऑर्डर को लेने गया था, सो अनबॉक्सिंग भी मैंने नहीं किया है। सो अभी चलो अनबॉक्स करते हैं भाई। या इसको तो ऐसा चलने से भी चाहत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये आ गया भाई, और अंदर भी सामान। अब यहाँ पे तो खाली हो गया है। अच्छा यहाँ पे ये रिमोट आ गया, और ये कशबाग की कट होगा शायद, और ये। सो आज मैं इसी से ही व्लॉग करूँगा दोस्तों। सो चलो आप फटाफट से निकालते हैं यहाँ से। हे कैसा लगा, अभी मैं ट्राइपॉड से व्लॉग कर रहा हूँ। बाकी मेरा सामने पे ये देखो माय है। अब हम लोग खेती की तरफ निकल रहा है। सो चलो सीधा खेती पे मिलते हैं। दोस्तों अब हम लोग अपना खेत पर पहुंच गया है, क्योंकि मेरा पीछे में भी आप लोग देखो, और ऐसा घूमने से ये भाई। बाकी आज की जो हार्वेस्ट में, अच्छा ये किंचली अभी ख़त्म होने वाला है तो ना ये, और यहाँ पे ऐसा घुसना पड़ता है भाई। यहाँ पे भी चिली है, बहुत सारा प्रकार का सब्जी होगा। यहाँ पे करेला है, जो लास्ट टाइम पे भी मैंने व्लॉग किया था, जो कि यहाँ पर ही है, जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड ही है वो भी। और यहाँ पे देखो करा करा वाला ये, और पका वाला है। लग गया है दोस्तों, लेकिन आज तो हम लोग ने पानी का बोतल भी नहीं लेके आया है, क्योंकि पीने का पानी बस वही पर है, जो कि कुआ पानी। क्या ही बताऊं दोस्तों, आज की मौसम इतना गर्मी थी कि वाह क्या ही बताऊं। वैसे अभी तो ये जो पेड़ की छाव में है अभी हम लोग, और लोग भी अभी थोड़ा बादल ने उसको छुपा दिया है, और हवा ठंडी हवा आ रहा है एकदम फ्रेश वाला अभी तो। बाकी अभी ये रहा जितना हम लोग अभी हार्वेस्ट किए थे, हालांकि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सुकून मिला है दोस्तों पानी पीने के बाद में ही। अच्छा मैंने भी पानी ऑर्डर कर रहा है, वो जो बम्बू है ना उससे अभी लेके जाना होगा। बाकी यहाँ का जो कुआ पानी हम लोग को भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है माई के लिए। सो दोस्तों अभी यहाँ जो करो बहुत ही करवा होता है ये वाला,
वो तो अभी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखो शायद यहाँ पे 7-8 kg का तो होगा, शायद इतना नहीं होगा, शायद ना हो सकता है। बाकी अभी और क्या, मिर्चा, बैगन और ये जो करेला उसको हार्वेस्ट करना है। और अभी थोड़ा तो जल्दी भी करना होगा क्योंकि अभी आसमान कड़क रहा है, बिजली कड़क रहा है अभी, तो थोड़ा जल्दी भी करना होगा है। ये देखो पूरा फुल हो गया है यहाँ पे, चलो एक बार ट्राई मारते हैं। ये 5 किलो के ऊपर और भी है वहाँ, जो कि दूसरा बागान में, वहाँ जो अनारस के बागान के बगल में। सो चलो आप थोड़ा जल्दी कर लेते हैं बारिश से पहले। शायद बारिश आने वाला है दोस्तों अभी, बाकी हमारे काम तो सिर्फ इतना ही हो पाया है। ये मिर्चा का तो ख़त्म हो गया है यहाँ पे, जो कि मैंने अभी उसको हार्वेस्ट किए थे। और यहाँ पे बैगन भी कंप्लीट हो गया है और करेला का भी, और यहाँ जो खट्टा वाला, खट्टा नहीं करवा वाला, और अभी बाकी है गुआवा का जो कि वहाँ पर थे वो वाला। सो आप जाना है जो कि वहाँ में हमारी अनारस की बागान भी था। ये कीड़े को देख लो भाई, अभी मम्मी बहुत ही चिल्ला रहा था और मैंने देखने आया तो यही था। बाकी इसको अभी भेजना है क्योंकि मम्मी डरता है ना। और ये देखो बैगन के पत्ते को ही खा रहा था ये कीड़े, जो कि उसकी पूंछ को भी देखो। सो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहा है जो कि गुआवा हार्वेस्ट के लिए। और ये मेरा हाथ पे देखो जो कि ये है, क्या क्या था इसका नाम, कोक्यूम्बर यार भूल जाता है। एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा वाला। यहाँ पे भी देखो सब्जी, ये तो जो कि अभी बुरा हो चुका है लेकिन ये वाला सही है। और ये जो कि पम्पकिन, अच्छा पम्पकिन तो पापा ने सुबह में हार्वेस्ट करने के लिए आ गया है और ये सब अभी नहीं लेके जाने वाला है। बाकी अभी हम लोग को गुआवा हार्वेस्ट करना है, लेकिन इतना नहीं दिख रहा है, तो इतना नज़र नहीं आ रहा है गुआवा। बस अभी मुझे इसको तोड़ना होगा है। हे बुढ़े, एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा वाला। अब यहाँ पे गुआवा तोड़ ले लिया जाएगा दोस्तों। वैसे यहाँ पे इतना मच्छर कि भाई शायद हम लोग मच्छर के स्कूल को ही विजिट करने आ गया होगा। बाकी यहाँ पे देखो भाई गुआवा जो कि थोड़ा बड़ा बड़ा वाला है यहाँ पे, ये देखो इसको ट्राई मारते हैं भाई, बस कैसा होगा इसको ट्राई मार के देखते हैं। वाओ इतना मिठाई के, इतना सारा मच्छर। चलो आप तोड़ने का शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये है हमारे लास्ट लोकेशन, जबकि ये भी हमारी बागान ही है, लेकिन
इस जगह को तो मैंने आज ही पहली बार दिखाया था, है ना। यहाँ पे जो कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद वाला बैगन जो कि अंडा वाला, इसको तोड़ने के लिए आया है। और कुछ यहाँ पे मिर्चा भी है, कुछ मिर्चा भी है। सो अभी बारिश भी आने वाला है, सो चलो हम लोग भी अभी फटाफट से करके और सीधा घर पे मिलते हैं। क्या ही बताऊं दोस्तों, काम करते करते रात भी हो गया है। और ये रहा जो आज हम लोग ने हार्वेस्ट किए थे, बाकी माँ यहाँ पे है। और ये रहा गुआवा, आपका गुआवा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे किन चिली मिक्स, ये जो छोटा वाला, और यहाँ पे भी ये भी चिली ही है जो कि मुझे भी पता नहीं ये जो कि गोल गोल के होता है। और ये जो बहुत ही कारा करवा होता है ना। और ये रहा पम्पकिन। और यहाँ पे कुछ सब्जी है जो मुझे भी नाम तो पता नहीं है इसका। और यहाँ पे करेला मिक्स विद बैगन जो कि सफ़ेद वाला और काला वाला का। वैसे ये जो आज हम लोग हार्वेस्ट किए थे, ये कल मार्केट के लिए है, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि इतना सारा कौन खाएगा ना। सो ये कल मार्केट में बेचने जाएगा है माए। सो दोस्तों आज की वीडियो शायद लंबा भी हो गया है, तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होंगी। सो क्या क्या करना है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सपोर्ट करना हो तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। सो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।